सो ये देखिले कौन डीएनए दिटा स्ट्रैंड सेपरेट है ये तो आ कौन हुए ना इटी आसिकी लगे तुम्हारा प्राइमर ओके तो डीएनए प्राइमेज जो एंजाइम कोई थे तो डीएनए प्राइमेज प्राइमेज एंजाइम तो यही एंजाइम कौन करे ना प्राइमर आसिक दीटा लगे दीटा प्राइमर ओके कहे प्राइमर सो ए दीटा प्राइमर जो लगे सी कौन कले ना नुआ दीटा स्ट्रैंड तैयारी करने को हेल्प कले तो ये जो दीटा स्ट्रैंड जो पुराना स्ट्रैंड ए दीटा को कहा जाए टेम्पलेट स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड तो टेम्पलेट स्ट्रैंड माने ए दीटा स्ट्रैंड देखिकी नुआ स्ट्रैंड दीटा तैयारी तो से तो को कहा जाए टेम्पलेट स्ट्रैंड सो मन रख कि जिते बड़े तुम रेप्लिकेशन टा हुए रेप्लिकेशन सब डायरेक्शन टा 5-3 डायरेक्शन टा था एटा होची नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सो एटी हम जे देखु जे एटा 5-3 डायरेक्शन माने ता जो नुवा स्ट्रैंड टा तेरे हो ता डायरेक्शन को रहबो 3-5 एटा 3-5 स्ट्रैंड तो एटा जदी नुवा स्ट्रैंड तेरे हो ता डायरेक्शन रहबो 5-3 माने नॉर्मल 5-3 डायरेक्शन जो रेप्लिकेशन डायरेक्शन ताकू फॉलो करछि किए ए स्ट्रैंड टा फॉलो करू ना बिकॉज़ जत्ते बळे तोर ओटा रेस्ट आवे रेस्ट गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे से स्टार्ट करन तो सेम दी दी जन जत रेप्लिकेशन स्टार्ट करियो गोटे को गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन स्टार्ट करिए जदि ए डायरेक्शन स्टार्ट करिया देखिवा तो एटा 3-5 हो एटा सॉरी 5-3 हो बेटा 3-5 तो ए डायरेक्शन टा ए स्ट्रैंड टा जो नुआ तैयारी हम से नॉर्मल डायरेक्शन रेप्लिकेशन डायरेक्शन टा फॉलो करे किंतु अन्य जो स्ट्रैंड टा सेटा फॉलो करी पारे ना सो से कौन करती ना जस्ट कल देखा ठीक है डीएनए स्ट्रैंड टा लंबे दवा दीटा स्ट्रैंड लंबे दवा तो एटा 5-3-5 तो ए टी जी सी ई जी जी सी ए टी टी ए जी सी ए टी जी सी सो एमती दीटा स्ट्रैंड हो गला 5-3 गोटा था स्ट्रैंड 3-5 गोटा स्ट्रैंड तो ये जिते देखिले तो आगे आसिकी प्राइमर टाइप रही गलाटा मुझे कहते नॉर्मल डायरेक्शन कहीं 3-5 हेल्ले अगेंस्ट जो स्टैंड तैयारी हम ता डायरेक्शन हम 5-3 डायरेक्शन स्टैंड हेल्ले अगेंस्ट तैयारी होता स्टैंड डायरेक्शन 3-5 तो ये जिते प्राइमर टा आगला तो ये नॉर्मली कौन कला ये जिते प्राइमर टा लगला सी कौन कला ना पॉलीमरेज एंजाइम ये जो डीएनए पॉलीमरेज आकु अट्रैक्ट कला ओके तो बुझ पाइल आर कम जो प्राइमर टा लगे पाखक आसिकी डीएनए पॉलीमरेज आसिकी पहुंच सो डीएनए पॉलीमरेज कौन कर नुआ स्ट्रैंड तैयारी करिवारे हेल्प कर तो डीएनए पॉलीमरेज कौन कला ना एमती नॉर्मली आंको अगेंस्ट स्ट्रैंड तैयारी कला टी अगेंस्ट ए सी अगेंस्ट जी जी अगेंस्ट रे धर सी सी अगेंस्ट रे जी तो एमती प्रिपेयर कर चल सो एठी कौन हम तो कही नॉर्मल हो 5-3 तो नॉर्मल ये कौन कला ये स्टैंड टा नॉर्मली सिंथेसिस टा चलला किंतु जिते बड़े एही पट स्टैंड कथा चिंता करिया तो आ डायरेक्शन हो 3-5 तो आर केमती हम ना उल्टा बिकज एट धर देखा यू स्टार्ट कौन हो 3-रु स्टार्ट हो एटा 5-5 तो 3-रु स्टार्ट हो माने एटा 3-5 तो जीवनी तो उल्टा जीव तो केम जीव ना एठी गोटाए प्राइमर टा यूज हला एतिक बाट गला तो ये जिते जाए जाए थो ये कौन करियो ना सेतिक जाए पहुंची ए प्राइमर टा एठी आड हो गोटा आ गोटा प्राइमर एट लगे तो ये कौन करियो ना उल्टा डायरेक्शन रे तार सिंथेसिस करियो मान जी अगेंस्ट रे जे थबो सी सी अगेंस्ट रे जी जी अगेंस्ट सी ए अगेंस्ट टी तो
तो ए जो छोटो पीस टा है गला मार्क करो तो आर डायरेक्शन कौन अछि एपोर्ड वर आर डायरेक्शन उल्टा रहिछ तो 3 डैश रु 5 डैश ट्रेन डायरेक्शन उल्टा रहिछ तो ऑपोजिट डायरेक्शन रे ये सिंथेसिस कर चलला सो नेक्स्ट जत बळे एम चलला नॉर्मली ये सीधा पर चलतो टी अगेंस्ट रे सी कला सॉरी ए कला ए अगेंस्ट रे टी सी अगेंस्ट रे जी टी अगेंस्ट रे ए एमती कर चलले तो ये कोन करछि ना ए गोटाय प्राइमर टा यूज है कि और ऑपोजिट डायरेक्शन रे तैयारी कर चल छिया को देखि एठी आउ गोटा ये जति गोटा जाइतो ताको देखि आउ गोटा प्राइमर आसि कि एठी एमती लागि छु तो ये कोन करियो ए अगेंस्ट रे टी जी अगेंस्ट रे सी टी अगेंस्ट रे ए ए अगेंस्ट रे टी एम तैयारी कर चलला तो ये गोटे छोटो पीस तैयारी गला तो एमती नॉर्मली एपोटो स्ट्रैंड टा जो 5 डैश टू 3 डैश स्ट्रैंड टा नॉर्मली एमती तैयारी कर चल बट द 3 डैश टू 5 डैश देखिबा तो से को कोला ना उल्टा डायरेक्शन कर चलला जा द्वारा कि छोटो छोटो पीस डीएनए पीस तैयारी कर चल तो ए जो छोटो छोटो पीस ऑफ डीएनए ताको डायरेक्शन कोन हे गला नॉर्मल 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन हे गला जा द्वारा कि से रेप्लिकेशन रो नॉर्मल डायरेक्शन रो लॉ डा फॉलो कला तो बुझ पाइलो तो एटा नॉर्मल 5 डैश टू 3 डैश गला किंतु ये को कोला 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस करिया को ये को कोला ना एमते प्राइमर लगेला लगे चलला जते थोर छोट छोट ए वाला पीस तैयार हेबो सेतटा ए वाला प्राइमर लागे चली छोट छोट ए वाला पीस तैयार हेला तो ए पट स्टैंड को देखि कि ए पट स्टैंड टा ए नुवा स्टैंड टा तैयार हो तो ये जते आगु को बढ़थो से अनुसार एठी आउडा प्राइमर लागथो पछुआ सिंथेसिस टा चलथो तो ए जो नुवा स्टैंड टा जारो डायरेक्शन 5 डैश रु 3 डैश तो ये कौन तैयार हेबो नॉर्मल डायरेक्शन रे चलिबो आगु को चलिबो सीधा तो सेइद पई ए स्टैंड टा कुआला लीडिंग स्टैंड तो लीडिंग स्टैंड काई कुआ जाए कहना ये नॉर्मल 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन रे पूरा सीधा चलस तो आपको जे से दे लीडिंग स्ट्रैंड बट ए स्ट्रैंड आइ तो देखियो जो 3 डैश टू 5 डैश हो तो आपको को जे लैगिंग स्ट्रैंड तो लैगिंग स्ट्रैंड कौन पे को होला बिकॉज़ ये कौन कोला लीडिंग को देखि कि ये तारो स्ट्रैंड कर चला ये जति के बटे जाई छी ताको देखि गोटा प्राइमर लागिवो पछुआ तैयारी कर चला तो सेइते पई ये कोन करे ना एटा लीडिंग स्टैंड टा जल्दी तरो तरो टेम्पलेट स्टैंड को देखि कि स्टैंड टा जल्दी तैयारी हे जे किंतु एपोडो स्टैंड टा टेम्पलेट को देखि बहुत स्लो तैयारी हुए तो एटा जति गोटे जाय तो ताकू देखि कि सेति कि बट रे ओटा प्राइमर लागिवो येति गोटे आछि ताकू देखि कि एठी प्राइमर लागि पछुआ तैयारी हो तो सेइते पई आपको जे लैगिंग स्टैंड बिकॉज़ ये नॉर्मल फ्रंट रे चलछि सीधा एटा पछुआ चलछि तो से आपको कहा जाए लैगिंग स्ट्रैंड तो लीडिंग लैगिंग बुझ पाइल सो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड रे तो ये कौन हम ना सब फ्रैगमेंट्स तैयारी तो फ्रैगमेंट्स मैंने को फ्रैगमेंट ये छोट छोट फ्रैगमेंट्स सब तैयारी तो आपको कहते ओका जाकी फ्रैगमेंट्स बुझ पाइल साइंटिस्ट को ना था ओका जाकी तो ओका जाकी ना अनुसार से जेतु ए बड़ा फ्रैगमेंट सब आगे मार्क कर सिले तो से ता ना अनुसार ए स्टैंड मान को ना दियाला उक्का जक तो ए बड़ा ना होची उक्का जकी फ्रैगमेंट्स तो ए जो उक्का जकी फ्रैगमेंट्स ता हला से कोन हला ना ता पोरे ए डीएस से की वर्क कोला पॉलीमरेज एंजाइम ता एडी कोन कोला पॉलीमरेज एंजाइम आउटा काम रोइला कोन कोला पॉलीमरेज तो पॉलीमरेज रो आउटा काम फास्ट तो काम रोइतला नुवा स्टैंड तैयारी करिवा आउटा काम रोइला कोन ना ए जो प्राइमर मानु को हटेबा तो देखो मार्क करो 5 डैश टू 3 डैश जो डायरेक्शन स्टैंड हला तो तार खाली गुट्टाए प्राइमर लागिस 3 डैश रु 5 डैश जो स्टैंड ता तार प्रत्येकटा ओका जगे फ्रैगमेंट सेतटा लेखा प्राइमर लागिस तो डीएनए पॉलीमरेज कोन कोला ना ए प्राइमर मानु को सेपरेट कला तो प्राइमर रिमूवर तो ए जो प्राइमर ओरा लागी थी ताको सब कोन कला रिमूव कला ता परे प्राइमर रिमूव हेला परे जे तो प्राइमर ओरा रिमूव होई होले तो ए जो ता जो फ्रैगमेंट ओरा जॉइंट करतो त
तो ये फ्रैगमेंट वाला जॉइंट करियो की हेल्प करा डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज कौन कला ना फ्रैगमेंट जॉइनिंग रे हेल्प कला। ओके तो उस पहले तो ये प्रोसेस रे सब एंजाइम कौन है गला यूज है गला। तो डीएनए हेलिकेज कौन कला डीएनए खुलियर हेल्प कला। तापरे एसएसबी प्रोटीन कौन कला जब तो खुली चल ला से जंतु पूर्ण हाइड्रोजन बॉन्ड ना फॉर्म कर रहे हो सेथ पे सेपरेट कर रखे। तो पॉइसोमरेस सुपर कोइलिंग होटेला प्राइमर जब तो खुल सहला तापरे प्राइमर और प्राइमेज एंजाइम प्राइमर प्रोड्यूस कला प्राइमर वाला प्रोटीन प्रोडक्शन करके जादोरा की नुआ स्ट्रैंड तैयारी हला। तापरे डीएनए जो पॉलीमरेज नुआ स्ट्रैंड तैयारी करे हेल्प कला जोटा की प्राइमर द्वारा अट्रैक्ट है किया हला। तापरे लाइगेज कौन कला ना ये जो छोट छोटो फ्रैगमेंट ताको जॉइंट कर यारे हेल्प कला। तो ए द्वारा देखिबा कि ओल्ड स्ट्रैंड दीटा जो रहला ता अगेंस्ट दीटा नुआ स्ट्रैंड तैयारी है। तो तापरे हमें एठी मन रखो एठी सब कौन लागिछ एसएसबी प्रोटीन ओरा लागिछ। तो जो ए जो स्ट्रैंड पुरना दीटा स्ट्रैंड रे कौन लागिछ एसएसबी प्रोटीन ओरा लागिछ। एसएसबी प्रोटीन लगी थवारु ए दीटा स्ट्रैंड केबे जॉइंट हेबे नाय ए दीटा स्ट्रैंड माने जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो पुरना स्ट्रैंड दीटा जॉइंट हेबे नाय। तो सेति पे गोटाय पुरना गोटाय नुवा जॉइंट हे गोटाय डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करिवे आ गोटा पुरना आ गोटा नुवा एकी गोटाय डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन करि जा द्वारा कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए प्रूव हला। तो दीटा अलग अलग स्ट्रैंड दीटा नुआ स्ट्रैंड दीटा पुरना स्ट्रैंड सहित मिसिकी या कले दीटा हेलिकल स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सो यही द्वारा कौन है ना तुम तो दीटा जो स्ट्रैंड या डीएनए दीटा कॉपी या तो जहाद्वर कि दीटा सेल को गले डॉटर सेल को जहाद्वर कि तुम कौन हो पाला सेल डिविजन हो पाला। तो यही प्रोसेस टोटल प्रोसेस टा कहा जाए डीएनए रेप्लिकेशन। स्टार्ट हम डीएनए टा ओपन हबारु तापर डीएनए रो बेस पेयरिंग हम लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड तैयारी हम एसएसबी प्रोटीन लागू थवारु तुम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड दीटा जॉइंट हो पारे नहीं तो ओल्ड स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड सहित ए ओल्ड स्ट्रैंड गोटे न्यू स्ट्रैंड सहित कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग जॉइंट हो चलो। तो यही होल प्रोसेस को कहा जाए डीएनए रेप्लिकेशन। ओके जोटा भी सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को प्रूव कराए। सो बुझेगा। सो यहाँ रहा डीएनए रेप्लिकेशन विषय। सो थैंक यू।